तो किंगडम फंजाई के बारे में अभी तक हम जो भी पढ़ चुके हैं, वो तो ये पढ़ा था हमने, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है और माइकोलॉजी क्या है ये आपको पता ही है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, और इसके जो फादर हैं वो पी ए मैकेली हैं, ठीक है। और फंजाई के बारे में फिर हमने जाना, इसके कुछ कैरेक्टरिक फीचर हमने जाने, जो कि मैं लास्ट वीडियोस में आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, कि फंजाई को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और फिर हमने इनके कॉमन नेम जाने, कि इनको कॉमन लीक किस नाम से पुकारा जाता है, और फिर हमने जाना इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप ये सब याद कर लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, और आज की क्लास में हम इन चारों डिवीजन को कवर करेंगे, फाइकोमाइसिटीज को भी, एस्कोमाइसिटीज को भी, बेसिडियोमाइसिटीज को भी और ड्यूटेरोमाइसिटीज को भी। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइक एसेप्टेट माइसीलियम को हम कोएनोसाइटिक बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें फिलहाल। लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज के साथ, और फाइकोमाइसिटीज को हम द मोस्ट प्रिमिटिव ट्रू फंजाई बोलते हैं। आप मुझे एक बात कंफर्म कीजिएगा, अभी मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपको सिर्फ स्लाइड दिख रही है या फिर बताइए? स्लाइड सिर्फ स्लाइड दिख रही है, ओके, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज होता क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था फाइकोमाइसिटीज, मैंने आपको कहीं पे फाइकोलॉजी पढ़ाया था, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एलगी, एलगी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई, और ऐसे फंजाई जो एलगी से मैच करते हैं, एलगी से जिनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, उनको हम फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आप बस इतना याद रखें फाइकोमाइसिटीज होता क्या है। सबसे ज्यादा जो पुराना फंजाई है और ट्रू फंजाई है वो फाइकोमाइसिटीज ही है। चलो जानते हैं इसके बारे में और ज्यादा। फाइकोमाइसिटीज का जो हैबिटेट है वो है वाटर है और डैम प्लेसेस हैं, इनको हम वाटर माउल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ें, ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इनफ है, ठीक है, आपके नीट के लिए भी और आपके एनसीईआरटी के लिए भी, ठीक है। तो इतना ही पढ़ें। हालांकि कुछ बुक्स हैं, जैसे कि आपका एक बुक है ट्रूमैन्स की बुक है और प्रदीप्स की बुक है, इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, नहीं उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ें। ये वाटर में मिलते हैं और डैम प्लेसेस में मिलते हैं, और इनको हम वाटर माउल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। देखो, स्लाइम माउल्ट्स क्या होता है वो अलग, उसमें हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा में, और वाटर माउल्ट्स क्या है ये हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, डिफरेंट दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइम माउल्ट एंड वाटर माउल्ट्स, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं, तो ये यूकैरियोटिक है और इसके अंदर कोइनोसाइटिक हाइफी मिलती है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। कोइनोसाइट हम उसको बोलेंगे जिसकी जिसकी माइसीलियम में, जैसे कि ये मैंने माइसीलियम बना दिया है, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बॉडी में माइसीलियम मिलते हैं, और माइसीलियम के हर एक हिस्से को हम हाइफी बोलते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया था, हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और हाइफी में जो सेल्स हैं वो सेप्टेट नहीं है, मतलब उनके बीच में सेप्टा नहीं है, जैसे कि अगर मैं सेप्टेट वाला बना के दिखाऊं तो ये है सेप्टेट, इसके अंदर हमें सेप्टा देखने को मिल रहा है, और जिसके अंदर हमें सेप्टा देखने को नहीं मिलता है उसको हम कोएनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइफी। इसके बाद आगे बात करते हैं, और लोकोमोशन जो है ये नॉन मोटाइल है, ठीक है ना, ये नॉन मोटाइल है, लेकिन इसके अंदर फ्लैजिलेट स्पोर मिलते हैं, मतलब जो इनके स्पोर्स हैं, स्पोर्स मोटाइल होते हैं जबकि ये खुद नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब स्पोर्स क्या होते हैं, आप खुद से सपोज करें, मैंने आपको पढ़ाया भी है स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स दो तरह के मैंने आपको पढ़ाए थे, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल स्पोर, ठीक है ना। स्पोर एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअल तो खुद जाके कहीं भी जर्मिनेट कर जाएगा और उसी से न्यू ऑर्गेजम फॉर्म कर देगा, और सेक्सुअल स्पोर क्या होंगे,
एक स्पोर आएगा मेल से, एक स्पोर आएगा फीमेल से, और दोनों फ्यूज करेंगे और फिर न्यू ऑरिजिन फॉर्म करेंगे। तो स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी और सेक्सुअल स्पोर भी। ठीक है, हम जानेंगे धीरे धीरे होते कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनके, बस आपको नाम दिमाग में बैठाने हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन की। इसका जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है और सेफ्रोबिक भी है। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इसका एरोबिक है, एंड आई होप आप सभी को पता होगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन भी सेफ्रोबिक और पैरासाइटिक क्या होता है, सभी को पता है ना? यस और नो? ओके यस ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। सर। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए इनके अंदर जो ए सेक्सुअल स्पोर्स है वो कौन कौन से, देखो अब आ गई ना वही बात, स्पोर्स दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल भी और ए सेक्सुअल भी। तो ए सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो है जूओ स्पोर, ए प्लेनो स्पोर, क्लेमाइडो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे देखने को मिलेगा, आइसोगेमी से, एनआइसोगेमी से और उगेमी से। ठीक है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी, उगेमी क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे बात आती है फ्रूटिंग बॉडी। देखो बच्चों फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, मैंने फ्रूटिंग बॉडी को शॉर्ट में FB लिख दिया है। इसका मतलब फेसबुक नहीं है, FB का मतलब फ्रूटिंग बॉडी है। और फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरोकार्प के नाम से भी जानते हैं, स्पोरोकार्प। ठीक है ना, स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडी में कोई फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं हमारे खाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही इस FB का मतलब फेसबुक है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। यहाँ FB का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, स्पोरोकार्प होता है। स्पोरोकार्प ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर, अब यस सर। इस स्पोरोकार्प के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, और वो सेक्सुअल स्पोर्स आपस में फ्यूज करेंगे। अगर वो दोनों ही स्पोर एक जैसे दिख रहे हैं तो आइसोगैमी बोलेंगे, अलग अलग दिख रहे हैं तो एनाइसोगैमी बोलेंगे, एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा है तो उसको ओगैमी बोलेंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बात करते हैं इसके डिस्टिंक्ट फीचर की। तो देखिए इनको हम एल्गी लाइक फंजाई बोलते हैं, इसीलिए इनका जो नेम है वो भी फाइकोमाइसिटीज है, और ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फंजाई है, बस इतना ही जानना है। समझ में आ गया फाइकोमाइसिटीज। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में, कि इनके अंदर देखो और एक तरह का सेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है स्पेशल, वो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन और गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। इससे पहले कि मैं ये पढ़ाऊं, मैं आपको बता देता हूँ गैमिटेंजिया होता क्या है। गैमिटेंजिया ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर गैमेट्स होते हैं, तो गैमेट्स को कैरी करने वाली जो स्ट्रक्चर उसको गैमिटेंजिया बोलेंगे। जैसे स्पोर को कैरी करने वाली स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर है? गैमिटेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से, आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे प्लेनोगैमेटिक कोऑपरेशन दिख रहा है। आइसोगैमी में क्या है, दोनों ही गैमेट एक जैसे दिख रहे हैं और आपस में फ्यूज हो गए हैं। एनआइसोगैमी में क्या है, एक गैमेट बड़ा है एक छोटा है, आपस में फ्यूज हो गए हैं। उगैमी इस तरह का है। अब देखिए गैमिटेंजियल कोऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी जिसके अंदर गैमेट्स हैं, राइट साइड में भी एक और स्ट्रक्चर है। अब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो एक को नाम दे दिया है मेल गैमिटेंजियम, एक को नाम दे दिया है फीमेल गैमिटेंजियम, और दोनों आपस में क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। तो पूरा का पूरा गैमिटेंजिया फ्यूज हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे गैमिटेंजियल कोऑपुलेशन। इसके बाद बात करते, अच्छा ये है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। इसके बाद एक और हमने पढ़ा था, हाँ ये रहा सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी क्या है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों दोनों हाइफी क्या हो गए, फ्यूज हो गए हैं, और एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई है। फिलहाल ये सोमेटोगेमी, आगे भी आएगा एस्कोमाइसिटीज, हम उसको वहां जान लेंगे। फिलहाल मुझे जो तुम्हें पढ़ाए थे दो हेडिंग्स वो ये थी, प्लेनोगेमेटिक कोऑपुलेशन कैसा दिखता है और गैमिटेंजियल कोऑपुलेशन कैसा दिखता है, वो आपने देख लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? डायग्राम से बना लोगे ये डायग्राम अपनी नोटबुक में? ठीक है, यस यस। सर। और हाँ जी ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, और एस्कोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। देखिए एस
एस काई मतलब ही सैक होता है, ठीक है, खाली जगह, सैक मतलब खाली जगह, ठीक है, ये बात आपको पता होगी बचपन से ही। और आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की प्रस्ताव के बारे में। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं किए हैं, और मैं एग्जाम्पल्स की लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, क्लियर है या नहीं है? हमने किसी स्लाइड में पढ़े थे एग्जाम्पल्स, इसमें बता देता हूँ, हमने यस सर, हमने यहाँ पढ़े थे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, आपको पता है ना एग्जाम्पल्स हमने पढ़ चुके हैं सभी के, तो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और जो भी एक सूटेबल सा आपको फेवरेट इनमें से कोई भी नाम पसंद आ रहा हो आप उसको सर्च करें और बना लें उसकी ड्राइंग, ठीक है, गूगल से। फिलहाल हम चलते हैं अपनी बात पे आगे, और हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। और एस्कोमाइसिटीज का जो हैबिटेट है वो टिपिकली टेरेस्ट्रियल है, लेकिन बहुत इनमें से ऐसे भी हैं जो हमें वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों जगह पे मिलेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी आप देख सकते हो यूकैरियोटिक है, और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और इनकी जो माइसीलिया है वो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है ना, मतलब कि देखो फंजाई नॉर्मली मिलता माइसीलियम फॉर्म में है, नॉर्मली फंजाई कौन सी फॉर्म मिलेगा, माइसीलियम फॉर्म मिलेगा, मतलब इस तरह से ब्रांचिंग देखने को मिलेगी इनकी बॉडी में, ठीक है, इस तरह से फैलते हैं फंजाई किसी भी सरफेस पे, तो ये फंजाई है। अब माइसीलियम एक तो मैंने बताया था सेप्टेट भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने एक को सेप्टेट बना दिया यहाँ पे, और या फिर ये ए सेप्टेट भी मिल सकता है, ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम है, और इसके हर एक ब्रांच को हम हाइफी बोलते हैं, क्लियर है। अब अगर फंजाई में मैनी सेल्स दिख रहे हैं तो ऐसे फंजाई को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, नॉर्मली फंजाई मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है, ये इंपॉर्टेंट है, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे, यीस्ट, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, और फंगस इज अ सिंगुलर टर्म और फंजाई इज अ प्लूरल टर्म, ठीक है, फंजाई क्या होता है, प्लूरल टर्म होता है। और सुने, जैसे आपने रेडियस पढ़ा होगा, रेडियस क्या होता है, सिंगुलर होता है, और रेडियाई क्या होता है, रेडियाई होता है। प्लूरल होता है, समझ गए ना, तो ऐसे देखो देखो आप समझ सकते हो, ठीक है, आई यू एस USI, क्लियर है, समझ गए, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। इसके बाद देखिए, अब इसके जो सेप्टेट, यहाँ पे देखना सेप्टेट दिख रहा है, सेप्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे, और ब्रांचड माइसीलियम यहाँ इसके अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब ब्रांच देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये आप समझ सकते हो नॉन मोटाइल कौन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की, तो देखो ये सेप्रोफाइटिक होता है, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और कॉप्रोफाइटिक होता है, ये मैंने अलग से लिखा है, बोल्ड करके लिखा है, इसका मतलब है कि ये डंग, डंग आप समझते होंगे गोबर को बोलते हैं, तो ये गोबर पे भी गोबर से भी अपना नरिशमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर एरोबिक देखने को मिलेगा, और यीस्ट जो है, यीस्ट इनमें से सॉरी यहाँ पे एरोबिक के लिए गलत लिख गया है मैं इसको, इसको ना आप एनएरोबिक कर लेना, यीस्ट कैसे करता है, एन एरोबिकली करता है, ठीक है, एन एरोबिकली करता है, ये मैं सेट करके आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है, इस वाली स्लाइड की सेट कर दूंगा अभी 1 मिनट में। इसके बाद आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन पे, तो रिप्रोडक्शन देखिए इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर कौन सा मिल रहा है, कॉनिडिया मिल रहा है, और सेक्सुअल स्पोर कौन सा मिल रहा है, एस्को स्पोर मिल रहा है, सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है, एस्को स्पोर। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं, कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, माने चलो ऑप्शन में सेक्सुअल स्पोर्स के माने चलो मैंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, और ए सेक्सुअल स्पोर के मैंने आपको 1 ऑप्शन दे दिया है, और क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए सेक्सुअल स्पोर, तो आपको पता होना चाहिए ए सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से मैंने पढ़ाए हैं पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से पढ़ाए हैं पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वो आपको बता देना है, ठीक है, इस तरह से भी आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इसका ए सेक्सुअल स्पोर है कॉनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर है इसका एस्को स्पोर, ठीक है, और जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है मैंने अभी बताया था, किसी को पता है फ्रूटिंग बॉडी क्या है, नहीं, ठीक है, अभी बताया था मैंने फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरोकार्प बोल सकते हैं, और उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, अब याद रख लोगे, ठीक है, क्योंकि अपनी गलतियों से ही सीखते हैं,
अच्छा, इसके जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, जिसके अंदर मैनी एस्काई मिलते हैं, मतलब खाली जगह मिलती है, ठीक है। और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथीकम फॉर्म में मिल सकती है, एपोथीकम फॉर्म में मिल सकती है, और पेरीथीकम फॉर्म में भी मिल सकती है। क्या है ये फॉर्म, अभी देख लेते हैं। तो देखो भाई, क्लिस्टोथीकम वो है जिनमें ये पूरा जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो एकदम क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, स्पोर्स बाहर नहीं निकलेंगे। और जो आपका पेरिथीकम है वो थोड़ा सा ही खुला रहेगा, थोड़ा सा ही ओपन रहेगा। और जो एपोथीकम वाला टाइप का वो पूरा ही ओपन रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे में, ठीक है, देख पा रहे हो सभी, क्लियर है। क्लिस्टोथीकम, पेरिथीकम, एपोथीकम, समझ में आया। यस सर, इसके बाद बात करते हैं इसके स्पेशलाइज, इसके अंदर देखो एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे। इसके जो स्पेशलाइज सेक्सुअल ऑर्गन है वो प्रेजेंट तो होते हैं शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ये फंजाई बड़े होते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे इनके अंदर ये सेक्सुअल ऑर्गन खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के डिस्टिंक्ट फीचर्स की। तो एक एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जिसका हम यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में और जेनेटिक्स में, मतलब जेनेटिक्स की कोई भी रिसर्च में। जैसे कि अगर मैंने मैंने कोई वैक्सीन बनाई है, या फिर मैंने कोई केमिकल बनाया है, या फिर मैंने कोई डीएनए का एक्सप्रेशन जानना है, मुझे डीएनए का एक्सप्रेशन जानना है कि ये डीएनए कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे क्या चेंज लेके आता है, या फिर किसी वायरस का, या फिर मुझे किसी वायरस के बारे में जानना है कि वायरस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेल को इन्फेक्ट कैसे करते हैं। ये सब चीजें की जो हम नॉलेज लेते हैं वो जेनेटिक्स में लेते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो ये एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, ये जो न्यूरोस्पोरा है, ये न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है एक एस्कोमाइसिटीज के दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मोरेल्स एंड बफेल्स, जिनको खाते हैं लोग। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इसको ना लोग खा जाते हैं, ठीक है, मोरेल्स एंड बफेल्स बोलते हैं सबको, तो लोग खा जाते हैं, और ये एक एस्कोमाइसिटीज है, फंजाई है। अच्छा, यीस्ट का यूज हम करते हैं बेकरी में, ब्रेड वगैरह बनाने में, और फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन का ही टाइप समझ लीजिए, जिसमें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, मतलब कि एनएरोबिक ही होता है। फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा मैच करते हैं, ये बात आपको पता होगी, फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा मैच करते हैं, पता है ना, ये बात आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा। दोनों ही यस सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से ही ब्रेड के अंदर वो जो फुलाव है, वो जो पफनेस है, पफनेस वो जो उसका पफी नेचर है वो आ पाता है। पफी नेचर क्या होता है, इनके अंदर होल्स बन जाते हैं जिससे कि ये फूल जाते हैं ना, क्लियर है, समझ में आया। ये क्यों यस सर, होता है, क्यों फूलते हैं ब्रेड वगैरह, ये इसलिए फूलते हैं क्योंकि इनके अंदर यीस्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन में क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, उस CO2 गैस को निकलने के लिए हमने बाहर से लेयरिंग कर दिया है, CO2 गैस बाहर तो निकल नहीं सकती है, तो होगा क्या, अंदर ही वो फूल जाएगी, उस सबस्टांस को फुला देगा और फिर उसको एक पफी नेचर दे देगा। पफी नेचर इसी को बोलते हैं, अंदर में हमें बहुत सारे पोर्स दिखते हैं ना, उसको पफी नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब इनको हम कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सैक लाइक एस्काई प्रेजेंट होते हैं, खाली जगह बहुत होती है इनके अंदर। अब मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ आपको इसके, और चित्रकारी कर लेते हैं। तो पेनिसिलियम है जो कि आपने पढ़ा होगा, और यीस्ट ऐसा दिखता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की इस फंजाई के अंदर, जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज। और बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, और क्लब एक कार्ड्स में होते हैं ना, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, आपने देखा होगा, तो ये क्लब की जैसे शेप ओके का, ठीक है। तो बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के सर, हैबिटेट की। तो ये सॉइल में देखने को मिलेंगे, या फिर ऑन लॉग्स देखने को मिलेगा। ऑन लॉग्स क्या होता है, आप देख सकते हो, जब पेड़ कट जाता है, पुराने हो जाते हैं पेड़, तो नीचे गिरते हैं जंगलों में, उसके ऊपर ग्रोथ होने लग जाते हैं फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि फंजाई भी वहां पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉग है, जैसे कि आपने जंगल में कभी गए तो नहीं होंगे, लेकिन आपने ये सब चीजें कहीं तो देखे होंगे, बुक्स में, टीवी में कहीं तो देखा होगा कि पेड़ ऐसे गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, क्लियर है। यस सर, ये इस तरह से बहुत पुराना पेड़ है, ये आपको देखने में नया लग रहा होगा, फिर मैंने
मैंने जो इसकी इमेज है वो बहुत ही HD क्वालिटी की उठाई है गूगल से, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, और ये ट्री स्टम्प पे भी ग्रो कर जाते हैं। ट्री स्टम्प क्या होता है, जब पेड़ को काट देते हैं तो आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होंगी, ठीक है। ये पेड़ का ये जमीन है, और यहाँ पर ये पेड़ है, और यस ये सर, जो स्ट्रक्चर, इसको ट्री स्टम्प बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर भी ग्रो कर जाते हैं, और ये टिपिकली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की। तो इसकी बॉडी माइसीलियल है, और माइसीलियम ब्रांच है इसका, और सेप्टेट है, ठीक है। और प्राइमरी माइसीलियम जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो उनका प्राइमरी माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी प्रोसेस से? सोमेटोगेमी से। सोमेटोगेमी क्या है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये दो हाइफी है, ठीक है, माइसीलियम की दो हाइफी है, ये हाइफी आपस में फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होने के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी है, जिसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? और ये हुआ कैसे, क्योंकि इसकी, हाँ यस सर, जी, क्योंकि इसकी सोमेटिक सेल जो है वो फ्यूज हो रही है, और इसकी फ्यूजन से हमें डाई दो न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम डाई कैरियोटाइजेशन बोलेंगे। डाई मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस को बनाने वाली प्रोसेस बोलेंगे डाई कैरियोटाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके लोकोमोशन की। तो देखो, इसका जो लोकोमोशन है, इसके अंदर जो थैलस है, बोथ वेजिटेटिव थैलस एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉन मोटाइल। इसका जो वेजिटेटिव थैलस है, थैलस क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, थैलस के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था। थैलस ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके जो वेजिटेटिव थैलस है, मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो इसके रिप्रोडक्टिव सेल है, वो दोनों ही यहाँ पे नॉन मोटाइल है। जबकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सबसे पहला जो मैं आपको पढ़ा रहा था फाइकोमाइसिटीज, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये खुद तो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो इसके स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इसके अंदर देखने को मिलता है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, एंड आई होप आपको पता होगा सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या होता है। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के अंदर मिलता है एरोबिक, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, नीट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट में से, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इन कैरेक्टर्स को याद तो करते नहीं है। तो जितने मैंने कैरेक्टर लिख दिए हैं सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बॉडी फ्रेगमेंट से डिवाइड हो जाती है और उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो है इनका, उसका नाम है बेसिडियो स्पोर, और जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये बन रहा है उसका नाम है बेसिडियो कार्प, आप उसको बोल सकते हो, यूरेडो स्पोर आप उसको बोल सकते हो, टेलोटो स्पोर आप इसको बोल सकते हो। और इसके अंदर स्पेशलाइज सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जबकि जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर कुछ स्टेजेस में तो होंगे, लेकिन एडवांस फॉर्म में वो हट जाएंगे, लेकिन इसमें शुरू से ही एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्टिंक्ट फीचर की। तो इसको हम कॉमनली क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब फंजाई, ठीक है। और रस्ट और सिमट कॉजिंग फंजाई भी हम इसको बोलते हैं। जंगल में ये पेड़ को एकदम एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रस्ट एंड सिमट कॉजिंग फंजाई। और ये आते किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। अब एक और अजीब कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलता है, पिक्यूलियरली मतलब अजीब होता है, ये एक क्लैंप कनेक्शन शो करते हैं, एक क्लैंप कनेक्शन शो करते हैं प्रोडक्शन के दौरान। अभी होता क्या है आप यहां समझिए। देखो, यहाँ पे इनकी बॉडी में इनका जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, उसमें एक क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रही है, और वो अपनी ही बॉडी से जुड़ जा रही है।
तो ये पता नहीं एक अजीब सा कैरेक्टर है इनके अंदर, पता नहीं क्या ही रोल है इसका, बट ये एक क्लैम कनेक्शन की बॉडी में देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ये लास्ट है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, और आप इसको मिस्टर इम्परफेक्ट बोल सकते हो। लड़कियों को ऑफेंस होने की जरूरत नहीं, सर ये मिस क्यों नहीं हो सकती या फिर मिसेज क्यों नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी मान लो, ठीक है। हाँ, तो इसको हम मिस्टर इम्परफेक्टाई इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, मिस्टर इम्परफेक्ट ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है। इम्परफेक्ट लोग बनने चलते हैं मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट या फिर मिस ऑलवेज परफेक्ट, व्हाटएवर, लेकिन ये बन के आया है हमारे सामने मिस्टर इम्परफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ये इम्परफेक्ट क्यों है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में, पहले हम पढ़ते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो इसको जो हैबिटेट है वो टेरिस्ट्रियल है, और जो इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है वो यूकैरियोटिक है, और इसके अंदर माइसीलियल देखने को मिलता है, और ब्रांच है वो माइसीलियम और सेप्टेट भी है, और हाइफल सेल भी है। हाइफल सेल जो है इसकी वो मल्टी न्यूक्लिएट है, यहाँ पे ये डाई न्यूक्लिएटेड नहीं है, यहाँ पर हाइफल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसके बाद लोकोमोशन, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कैसा, स्पोरोफाइट आप इसको बोल सकते हो, पैरासाइट बोल सकते हो, डिकम्पोजर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये तीनों तरह से रिप्रोडक्शन, सॉरी तीनों तरह से ये न्यूट्रिशन करते हैं, लेते हैं, और रेस्पिरेशन का एरोबिक है, और रिप्रोडक्शन जो ओनली नोन मेथड है इसके अंदर वो सिर्फ कॉनिडिया है, कॉनिडिया से ही करेगा। कॉनिडिया क्या होता है, बॉडी के ऊपर ऐसे 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 स्पोर्स पैदा होंगे, और ये ही न्यू स्ट्रक्चर, न्यू न्यू फंजाई पैदा कर देंगे, न्यू न्यू फंजाई पैदा कर देंगे, ठीक है। कॉनिडिया जैसे पेनिसिलियम में भी कॉनिडिया देखने को मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो एकदम एबसेंट होता है, और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट है तो फ्रूटिंग बॉडी भी एबसेंट रहेगी। तो याद रखना फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स पैदा करती है, ये बात आप याद रखना। फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं, और स्पोरोकार्प एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। और स्पोर्स मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लेकिन इस फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर्स पैदा होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, क्लियर है, याद रखोगे, यस और नो, इतनी सी बात आप लोग याद रख पाएंगे इस उम्र में, बताइए। यस ओके चलो आगे बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं इसके डिस्टिंक्ट फीचर की। तो इनको फंजाई इम्परफेक्ट है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज या तो एब्सेंट होती है, और अगर होती भी है तो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं हम, और हम पता नहीं लगा पाए तो हमने ऐसी बात कर दी जैसे कि ग्रेप्स आर श्योर है ना, कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, हमने वो वाली बात कर दी है यहाँ पे। अब हमें नहीं पता है इसकी सेक्सुअल स्टेजेस, या फिर हमें दिखी भी नहीं है इसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस, तो हमने कुल मिला के ये बोलते हैं कि ये इम्परफेक्ट है, हमारी नॉलेज इम्परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक क्लास ओवर हो जाती है, और मैंने आपके सामने किंगडम फंजाई ओवर कर दिया है, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और वायरस विरोइड्स प्रियॉन्स ये रह गया है, ये हम कल जान लेंगे, ठीक है, और सेकंड चैप्टर कल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल इसी चैनल पर।